Hi guys, Nine. This is your host and mentor Prem Pandey, welcoming you all to another exciting video of Educational Hikes. Came to meri jaan, mast maza ma. Please let me know in the comment section, tum log kaise ho yaar? आज के इस पोयम की बात करते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ की बिहाइव बुक का पोयम नंबर 6, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड. वैसे लेजेंड का मतलब क्या होता है? लेजेंड का मतलब वो नहीं होता जो हम समझते हैं, लेजेंड मतलब जो इंसान बहुत महान हो. नहीं, लेजेंड का मतलब यहां पर है कहानी, एक ऐसी पुरानी कहानी जो किसी इंसान के बारे में सुनाई जाए उसको हम लेजेंड कहते हैं. ठीक है, लेजेंड का मतलब क्या हो गया? कहानी. और ये कहानी कहाँ की है? ये कहानी नॉर्थलैंड की है. नॉर्थलैंड कौन सी जगह है? नॉर्थलैंड न्यूजीलैंड में एक जगह है. न्यूजीलैंड में नॉर्दर्न वाला जो सबसे देश है, न्यूजीलैंड का जो सबसे नॉर्दर्न हिस्सा है उसको हम नॉर्थलैंड कहते हैं. यहां पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, दिन का समय बहुत कम होता है और रातें बहुत लंबिया लंबिया होती हैं. यहां पर मतलब बहुत लंबे लंबे होते हैं. ठीक है, चलो इस पोएम में हम क्या सीखने वाले हैं. दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड. अब इस पूरे पोएम में ना एक कहानी सुनाई गई है, एक बूढ़ी औरत की कहानी है जिसने सेंट पीटर को गुस्सा कर दिया था अपनी लालच की वजह से. अब सेंट पीटर कौन है? तुम आपको अगर ना पता हो तो मैं बता दूं, सेंट पीटर ना इन्होंने क्रिश्चियनिटी को फैलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था. दुनिया भर में इन्होंने क्रिश्चियनिटी का उपदेश दिया, लोगों को क्रिश्चियनिटी के फायदे बताए और लोगों को क्रिश्चियन बनाने में मदद किया. ठीक है, सेंट पीटर जीसस क्राइस्ट के 12th डिसाइपल माने जाते हैं, मतलब 12वें शिष्य हैं ये जीसस क्राइस्ट के. ठीक है, तो उन्हीं के बारे में ये पूरी कहानी है. कहानी मतलब पोयम के बारे में, जब 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 किसी कहानी को पोयम के रूप में दिया जाए, पोयम के रूप में सुनाया जाए तो उसको हम बैलेड कहते हैं. क्या कहते हैं? उसको हम बैलेड कहते हैं. तो ये क्या है? ये एक पोयम नहीं बल्कि एक बैलेड है. बैलेड किसे कहते हैं? जिसमें किसी की गाथा सुनाई जाए या किसी की कहानी सुनाई जाए. ठीक है, चलो कहानी स्टार्ट करते हैं. अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लिप देम थ्रू. कहा गया है कि भाई ये कहानी कब की है? अवे अवे, बहुत दूर एक जगह पड़ता है नॉर्थ लैंड. नॉर्थ लैंड ऐसी जगह है जहां पर दिन का जो घंटा होता है बहुत कम होता है, मतलब दिन का समय बहुत कम होता है और रात वहां पर बहुत लंबी होती है. और कब की बात है ये? ये विंटर सीजन की बात है. ये पूरी कहानी विंटर सीजन की है. ये कहानी नॉर्थ लैंड की है जहां पर दिन का समय बहुत छोटा होता है, दिन के जो आर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं और नाइट मतलब रातें बहुत लंबी लंबी होती हैं और इतनी लंबी रात होती है दैट दे कैन नॉट स्लिप देम थ्रू. मतलब पूरी रात वहां नॉर्थ लैंड के जो लोग हैं ना वो इतनी लंबी रात होती है कि वो लोग पूरी रात सो नहीं सकते हैं, बीच में ही वो जग जाते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं. वेयर द हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोस. ये कहानी वहां की है जहां पर लोग तेज दौड़ने वाले कुत्तों को क्या कर देते हैं? बांध देते हैं. रेंडियर का मतलब क्या होता है? वाइल्ड डॉग कहते हैं इसे. ठीक है, रेंडियर का मतलब क्या होता है? वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ते आप जिसे कह सकते हो. तो भाई ये कहानी वहां की है जहां पर स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब तेज दौड़ने वाले कुत्तों को क्या कर दिया जाता है? हार्नेस कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है. किससे बांध दिया जाता है? टू द स्लेजेस. स्लेजेस मतलब आपने देखा होगा कि बर्फ के ऊपर ना सरकने के लिए एक गाड़ी बनाई जाती है और इस गाड़ी को कुत्तों से क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है. ठीक है, ये कुत्ते क्या करते हैं? इस गाड़ी को खींचते हैं और इंसान चाहे इस पर बैठ सकता है या अपने सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. इसको हम स्लेजेस कहते हैं. ठीक है, तो ये कहानी वहां की है जहां पर जब बर्फ पड़ती है तो तेज दौड़ने वाले कुत्तों को बांध दिया जाता है स्लेजेस से और जो बच्चे हैं यहाँ के वो एकदम भालू के बच्चे लगते हैं. क्यों लगते हैं? क्योंकि वो ना बहुत ही फनी कपड़े पहन लेते हैं, मतलब एकदम भालू वाला जो जैकेट होता है ना जिसमें फर यानी रोए निकले होते हैं, ऐसे कपड़े पहनकर वहां के जो बच्चे हैं ना वो काफी ज्यादा एकदम मजाकिया लगते हैं, एकदम फनी बच्चे लगते हैं, जैसे लगते हैं कि ये लोग भालू के बच्चे हैं. ठीक है, चलो तो ये तो हमने इन दोनों पैराग्राफ में ये समझा कि ये कहानी कहाँ की है और जहां की ये कहानी है वहां के लोग कैसे होते हैं. गॉट इट? अब हम एक्चुअल कहानी सुनेंगे कि दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, मतलब नॉर्थ लैंड के जो लोग हैं ना वो बच्चों को एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाते हैं. मुझे तो इस कहानी पर विश्वास नहीं है, आई डोंट बिलीव टिस ट्रू. मतलब जो पोएट है वो कहता है कि भाई मुझे इस कहानी पर बिलीव तो नहीं है, फिर भी अगर मैं इस
टेल, अगर इस कहानी को अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन सीखने को मिलेगा इस कहानी से। ठीक है, अब कहानी क्या है। वंस व्हेन द गॉड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार की बात है जब हमारे महान सेंट पीटर यही धरती पर हमारे साथ रहते थे, जब वो मैटरलिस्टिक लाइफ जीते थे। आपको पता है कि हर भगवान कभी ना कभी धरती पर जीता है, जन्म लेता है और इंसानों की तरह वो पैदा होता है और मर जाता है। जैसे हमारे कृष्ण भगवान को देख लो, राम भगवान को देख लो, वैसे ही कहा जा रहा है कि भाई एक बार की बात है जब सेंट पीटर इस दुनिया में रहते थे और वो दुनिया में रहके क्या करते थे, वॉक अबाउट इट, मतलब पूरे दुनिया में घूमते थे, प्रीचिंग मतलब अपनी टीचिंग्स देते थे, लोगों को उपदेश देते थे क्रिश्चियनिटी के बारे में, जस्ट एज ही डिड। तुम्हें पता है कि सेंट पीटर क्या करते थे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट एज ही डिड। आपको पता है कि सेंट पीटर का क्या काम था, वो दुनिया में अलग अलग जगह घूमकर क्रिश्चियनिटी का उपदेश देते थे, लोगों को क्रिश्चियन धर्म अपनाने का सलाह देते थे। ठीक है, चलो तो ये कहानी उन्हीं की है, हमारे प्यारे सेंट पीटर की है। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, एक दिन की बात है कि वो क्या कर रहे थे, इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो धरती में घूम घूम कर लोगों को उपदेश दे रहे थे, तो एक दिन वो एक किसी घर के दरवाजे के पास पहुंचे, वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स। जिस घर के पास ये पहुंचे थे उस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत थी जिसकी जो हाइट थी वो थोड़ा छोटी थी। ठीक है, ये बूढ़ी औरत क्या कर रही थी, ये केक बना रही थी और उस केक को पका रही थी भट्टियों पर। हर्थ का मतलब क्या होता है, हर्थ का मतलब होता है आग की भट्टियां। ठीक है, जैसे जिस भट्टी में ईंटों को पकाया जाता है ना, बिल्कुल ऐसे ही एक भट्टी, एक आग की भट्टी बनाई जाती है जिसमें केक को पकाया जाता है। ठीक है, तो सेंट पीटर एक दिन धरती में घूमते घूमते एक ऐसे घर के सामने पहुंचे जहां पर एक बूढ़ी औरत केक बना रही थी और वो केक को अपने पका रही थी आग के भट्टी पर रखकर। ठीक है, समझ में आया, चलो आगे देखते हैं। एंड बींग फैंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, जो हमारे सेंट पीटर थे ना वो मतलब बिल्कुल उनको चक्कर आ रहा था क्योंकि वो पूरे दिन से भूखे हुए थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन मतलब कि पूरा दिन डूबने वाला था लेकिन उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला था, इसलिए उन्हें चक्कर आ रहा था क्योंकि वो पूरे भूखे थे सुबह से। ठीक है, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। अब भाई सेंट पीटर काफी भूखे थे तो उन्होंने उस औरत से कहा कि तुम्हारे पास जो पूरा केक का भंडार पड़ा है ना, उस केक में से उठाकर मुझे केवल एक केक दे दो ताकि मैं खा सकूं और मेरी भूख मिट सके। ठीक है, अब इस बात पर औरत क्या करती है देखते हैं। सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक, अब इसलिए ये जो बूढ़ी औरत है ये बहुत छोटा सा केक बनाती है ताकि वो सेंट पीटर को दे सके, और केक बनाने के बाद जब वो उस केक को पकाने के लिए भट्टी पर डालती है ना, सी लुक्ड एट इट, वो अपनी केक को देखती है और सोचती है कि ये केक कहीं मुझे बड़ा तो नहीं लग रहा, इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। जब ये औरत केक को पकाने के लिए भट्टी पर डालती है ना तो उसे लगता है कि ये केक बहुत बड़ा है देने के लिए, मुझे एक छोटा सा केक बनाकर इस सेंट पीटर को दे देना चाहिए, मुझे इतना बड़ा केक इसे नहीं देना चाहिए। इसलिए ये औरत क्या करती है, देयरफॉर सी नीडेड अनदर, इसलिए ये औरत एक दूसरा केक को गूंथती है। नीडेड का मतलब जैसे आटा गूंथा जाता है ना, वैसे ही केक को गूंथती है, ये केक को बनाती है और ये वाला केक भी बहुत छोटा रहता है। बट इट लुक्ड व्हेन सी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, लेकिन इस बार भी ये औरत जैसे ही केक को पकाने के लिए भट्टी पर डालती है तो ये क्या देखती है, ये देखती है कि as large as the first had it done, मतलब जितना बड़ा पहला वाला केक था ना बिल्कुल उसी तरीके से उतना ही बड़ा ये दूसरा वाला भी केक था। तो अब इसे इस वाले केक को भी देने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि इस लड़की को लग रहा था, इस औरत को लग रहा था ये केक भी बहुत बड़ा है देने के लिए, मैं इसे नहीं दे सकती। Then she took a tiny scrap of dough, इस बार तीसरी बार ये थोड़ा सा आटा का टुकड़ा निकालती है, रोल्ड एंड रोल्ड इट फ्लैट, इसे एकदम पतला बेल लेती है, रोल्ड एंड रोल्ड इट फ्लैट मतलब बहुत ज्यादा पतला बनाती है, एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर। वेफर का मतलब क्या होता है, वेफर का मतलब होता है आप समझ लो जो छिलका होता है ना किसी चीज का, उसको हम वेफर कहते हैं। तो कह रहा है कि जो तीसरी बार औरत केक को बनाती है ना, तो इस बार केक इतना इतना पतला जैसे कि छिलका हो किसी का,
लेकिन फिर भी ये औरत को ये केक भी बहुत बड़ा लगता है, सी कुडंट पार्ट विद दैट। वो औरत ये केक भी सेंट पीटर को नहीं देना चाहती थी, इस केक से भी वो अपने आप को अलग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये केक भी उस औरत को बहुत बड़ा लग रहा था। फॉर सी सेड, माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल When I eat of them myself, अभी औरत परेशान हो जाती है। ये कहती है कि मेरा केक ये मुझे बहुत छोटा लगता है जब मैं खाती हूं तो, लेकिन ये केक आज इतना बड़ा लग रहा है, जब मुझे इसे किसी को देना है तो ये केक मुझे बहुत बड़ा लग रहा है। मतलब आप समझ पा रहे हो, ये औरत कहती है कि जब मैं इस केक को खाती हूं तब तो ये केक मुझे बहुत छोटा लगता है, ऐसा लगता है तुरंत खत्म हो गया, लेकिन जब ये केक मैं किसी को देने के लिए बना रही हूं तो मुझे क्यों इतना बड़ा लग रहा है, मैं इस केक को नहीं देने वाली हूं। इसलिए ये क्या करती है, सी पुट देम ऑन द सेल्फ। इसलिए ये औरत केक जो बना रही थी सेंट पीटर को देने के लिए, वो केक उठाकर अपने आलमारी पर रख देती है बेचने के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। अब भाई सेंट पीटर जो भूखे भी थे, इंतजार भी कर रहे थे कि ये औरत उन्हें केक बनाकर देगी, लेकिन ये औरत देती नहीं है, तो क्या होता है, देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। भैया सेंट पीटर हो जाते हैं गुस्सा। क्यों गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि ये भूखे भी थे, इन्हें चक्कर भी आ रहा था, और एक ऐसी औरत जो इतनी लालची हो वो काफी है सेंट पीटर को गुस्सा दिलाने के लिए। ठीक है, तो मतलब सेंट पीटर आखिरकार हो गए गुस्सा। क्यों गुस्सा हुए, क्योंकि वो भूखे भी थे और इसके साथ साथ उन्हें चक्कर भी आ रहा था, और ये औरत जो बार बार छोटा छोटा टुकड़ा निकालकर केक बना रही थी, और उस छोटे टुकड़े को भी वो सेंट पीटर को खाने के लिए नहीं देती है, ये बात से सेंट पीटर काफी गुस्सा हो जाते हैं। तो सेंट पीटर क्या करते हैं, एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म। ये सेंट पीटर कहते हैं कि ए औरत, तुम बहुत ज्यादा क्या हो, सेल्फिश हो, केवल तुम अपने बारे में सोचती हो, इसलिए तुम इंसान बनकर जीने लायक नहीं हो। ड्वेल का मतलब क्या होता है, ड्वेल का मतलब होता है सरवाइव करना। ठीक है, अब सेंट पीटर उस औरत को श्राप देते हैं, कहते हैं कि ए औरत, ए सेल्फिश, ए आप ऐसे कहते हैं, सेल्फिश किसे कहते हैं, जो केवल अपनी सोचे, जो केवल अपना देखे, दूसरों का फायदा ना देखे। ठीक है, तो कहते हैं सेंट पीटर कि ए सेल्फिश औरत, तुम इंसान के रूप में रहने लायक नहीं हो, क्योंकि इंसान इतना लालची बिल्कुल नहीं होता है टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। मतलब तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास खाना है, रहने को घर है, आग है जो तुम्हें गर्म रख रहा है इस ठंडी में, लेकिन फिर भी तुम इतनी सेल्फिश हो कि तुम किसी दूसरे की मदद नहीं कर पा रही हो, तुम मुझे छोटा सा केक नहीं दे पा रही हो, इसलिए तुम्हें इंसान के रूप में जीने का कोई हक नहीं है। Now you shall build as the birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood। अब इसलिए सेंट पीटर इस औरत को श्राप देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना कुछ होने के बाद भी तुम इतनी सेल्फिश हो, तुम दूसरों की मदद नहीं कर सकती, जाओ अब तुम क्या बनोगी, यू स्टाइल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, तुम बिल्कुल वैसे ही अपना घर बनाओगी जैसे पक्षियां बनाती हैं, पक्षियां टुकड़ा 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 ले आकर अपना घर बनाती है ना, बिल्कुल वैसे ही अब तुम भी अपने घर को टुकड़ा टुकड़ा करके बनाओगी, तुम्हें भी बहुत छोटा, बहुत थोड़ा सा खाना मिलेगा खाने को। स्कैंडी का मतलब क्या होता है, स्कैंडी का मतलब होता है लिटिल, बहुत थोड़ा खाना मिलेगा, जैसे पक्षियां अपना खाना इकट्ठा करती है ना थोड़ा थोड़ा करके, वैसे तुम भी अब अपने खाने को इकट्ठा करोगी, और ये खाना तुम्हें कैसे मिलेगा, बोरिंग बोरिंग एंड बोरिंग। बोरिंग का मतलब क्या होता है, होल करना या किसी चीज में छेद करना। ठीक है, तो आपने देखा होगा एक चिड़िया होती है वुडपेकर, आपने देखा होगा एक बर्ड होती है वुडपेकर। वुडपेकर क्या करती है, आपने देखा होगा कि वुडपेकर किसी पेड़ के ऊपर बैठ जाती है और अपना जो वो होता है, उसका जो ऊपर जो उसका जो चोंच होता है ना काफी नुकीला होता है, और उस चोंच से ना वो लकड़ी पे बार 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 मारती है, ताकि उस लकड़ी के अंदर जो भी कीड़े मकोड़े हो इस पक्षी को खाने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो बिल्कुल उसी पक्षी की बात हो रही है। सेंट पीटर कहते हैं कि तुम अब बिल्कुल पक्षियों की तरह अपना घर बनाओगी, तुम भी पक्षियों की तरह अपना खाना जुटाओगी थोड़ा थोड़ा करके, और तुम्हारा खाना कैसे मिलेगा तुम्हें, तुम्हें दिन भर लकड़ियों में ड्राई वुड मतलब जो जो पकी हुई लकड़ियां हैं, जो हार्ड लकड़ियां हैं,
तुम उसमें होल करोगी अपने चोंच से, तभी तुम्हें जाकर खाना मिलेगा जैसे बिल्कुल वुड पेकर करती है। ठीक है, तो ये सेंट पीटर क्या करते हैं, श्राप देते हैं उस औरत को। आगे देखते हैं, देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर फॉर सी वॉज चेंज टू बर्ड। अब जैसे ये श्राप देते हैं उस औरत को, तो भैया ये औरत तुरंत पक्षी बन जाती है, और पक्षी बनने के बाद जो भट्टी था उसका, जो अपने केक को पकाने के लिए वो भट्टी चिमनी बनाई थी, उस चिमनी के ऊपर से ये औरत पक्षी बनकर उड़ जाती है, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, ये एक शब्द भी नहीं बोल पाती है कि मुझे माफ कर दो या मैं ऐसा नहीं करूंगी वैसा नहीं करूंगी, कुछ नहीं बोल पाती, वो तुरंत पक्षी बन जाती है और चिमनी से उड़ जाती है। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर, ये जो औरत है ये कौन सी पक्षी बन जाती है, ये वुड पेकर बन जाती है और चिमनी से आसमान में उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब ये बूढ़ी औरत एक पक्षी बन चुकी थी, एक बर्ड बन चुकी थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। स्कारलेट कैप का मतलब क्या होता है, आप देख पा रहे हो, दिस इज द वुड पेकर। वुड पेकर का जो हेड है, जो सर है, इसको हम स्कारलेट कैप कहते हैं। ठीक है, मतलब बड़ा सा एक टोपी की तरह पहनना, तो उसको हम स्कारलेट कैप कहते हैं। तो भाई ये औरत के सर पर ना बिल्कुल स्कारलेट कैप की तरह आ गया था, बिल्कुल वुड पिकर की तरह इसका सर हो गया था, क्योंकि भाई वुड पिकर बना दिया था सेंट पीटर ने इसे। ठीक है, एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्नड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। जब ये औरत जब पक्षी बनी ना, तो बाकी सब तो ठीक था, सी हैड स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, मतलब ये जो औरत थी ना ठंडियों में क्या करी थी, ये एक कैप पहनी हुई थी, और यही कैप वुड पेकर के सर में भी देखा जा सकता है। आप फिगर देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि ये जो इस वुड पेकर का जो सर है ना, बिल्कुल आप देख रहे हो कितना भारी है, तो उसी को स्कारलेट कैप कहा गया है कि भैया ये एक ऐसी पक्षी बन गई जिसके सर पर क्या है, स्कारलेट कैप है, और बाकी सब उस पक्षी का सेम रहता है। ठीक है, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वॉज बर्न्ड, जो कपड़े उस औरत ने पहने थे वो तुरंत जल जाता है, कोयला बन जाता है, और फ्लेम में धुआं बनकर ये उड़ जाता है, उसके जितने भी कपड़े उपड़े जो भी औरत पहनी रहती है सब जल जाता है और धुआं बन के उड़ जाता है, और ये औरत अब क्या बन चुकी थी, एक बर्ड बन चुकी थी, वुड पेकर बन चुकी थी ये। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और सभी गांव के बच्चे, मैंने भी देखा है, तुमने भी देखा है, हम सभी ने देखा होगा कि एक पक्षी है वुड पेकर। ठीक है, वो क्या करती है, वो जंगलों में हमें देखने को मिल जाएगी, हमें ऐसे भी गांव में देखने को मिल जाएगी। ये वुड पेकर कहां से आई, अब तुम्हें पता चला, सेंट पीटर ने उस बूढ़ी औरत को वुड पेकर बना दिया था, तभी से ये वुड पेकर नाम की पक्षियां हमारे अगल बगल हमें दिखाई देने लगी। ठीक है, वेयर सी लिप्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और जब से सेंट पीटर ने इस वुड पेकर पक्षी को बनाया है ना, तब से लेकर आज तक ये वुड पेकर पक्षी पेड़ों पर रहती है, पूरे दिन पेड़ों पर रहती है, और आज तक ये पक्षी बिल्कुल वैसे ही है, और एकदम लकड़ियों में छेद करके, लकड़ियों में होल करके वो अपना खाना ढूंढती है। तो इस पूरे पोयम से, इस पूरे बैलेड से हमें क्या पता चला, हमें यह पता चला भाई कि जब भगवान ने हमें सब कुछ दिया हो तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। दिस इज द पोयम रिटन बाय फोइबे कैरी। मैं आपको बता रहा था ना कि जो एक ऐसी पोयम जिसमें स्टोरी सुनाई जाए उसको हम बैलेड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी स्टोरी हमने सुनी ये एक बैलेड का फॉर्म था। समझ में आया, बैलेड किसे कहते हैं, बैलेड इज अ लॉन्ग स्टोरी रिटन इन अ पोएटिक फॉर्म। चलो, तो ये तो है कुछ इनके वर्ड मीनिंग, और ये है हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल और जय हिंद।